खबर गुना जिले से है, जहां शहर की जनता ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर बच्चियों पर हुए अत्याचार पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विगत कुछ दिनों में गुना जिले में मासूम बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी ने संपूर्ण जिलावासियों को झकझोर दिया है। बता दें कि एक ओर जहां म्याना में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, तो वहीं दूसरी ओर उमरी में 8 साल की बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य हुआ, जिसके बाद से ही इन घटनाओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि गुना पुलिस ने एक आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, लेकिन यही काम अगर सिरसी वाले प्रकरण के बाद में कर दिया जाता तो शायद उमरी में हुई घटना घटित ना होती और एक मासूम बच्ची इस दरिंदे से बच जाती। भले आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यह कार्यवाही अभी अधूरी है। महिलाओं ने ज्ञापन में निवेदन करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में शासन प्रशासन गंभीरता दिखाएं और पीड़ित दोनों बच्चियों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधा, उनके परिवार को सुरक्षा समेत आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के केस पॉस्को एक्ट की धारा में लगाकर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, जिससे कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। गुना से कदीर खान की रिपोर्ट। म्याना की घटना है, 8 साल की बच्ची है, उसके साथ में बलात्कार होता है और वह डर के मारे नहीं बताती है, उसके बाद बताती है तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। उसके माता पिता बर्तन खाने पर ठोकरे खाते रहते हैं, वह कोर्ट में आती है, एक अभिभाषक प्रस्तुत करती है, आवेदन देती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई पर इसलिए सारी आज पता लगा है कि एनकाउंटर में उसको पकड़ा तो उसके पैर पर गोली मारकर पकड़ा, जबकि अपराधी वही था, ये पुलिस को पता है। फिर FIR लिखने में देर क्यों की? जब कोई महिला बच्ची आ रही है तो उसी वक्त उसकी तत्काल FIR लिखी होनी चाहिए थी। ये हो गई जो उस समय कार्रवाई की। आगे के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? आगे के लिए पुलिस को ये करना चाहिए, इस प्रकरण से दिमाग में रखकर एक को तत्परता से इसकी विवेचना की जाए, तत्परता से चिन्हित प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश किया जाए और फर्स्ट ट्रैक में इसकी जल्दी से जल्दी एविडेंस कलेक्ट, जितने भी साक्षी हों उनकी एविडेंस कराई जाए, जिससे तत्काल इस पर न्याय मिले और उस न्याय का एक समाज में संदेश जाए। सबसे बड़ा समाज में विरोध किस बात का हो रहा है कि अपराधी जब जमानत लेकर बाहर घूमता है और लोगों के सामने ये कहता है कि मैंने गलत कृत्य किया, मेरा क्या बिगाड़ लिया, तो समाज के सामने हमें एक ऐसी धारणा पेश करनी चाहिए कि अगर हम गलत कृत्य करते हैं तो उसको सजा मिलती है। तो सजा के लिए पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए।